हेलो फ्रेंड्स, गेट रेडी टू स्केरी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, एक दिन शाम के टाइम में तीन दोस्त बोट किराए पर लेकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। समुद्र के पानी का टेम्परेचर अभी 4 डिग्री सेल्सियस है और इतने ठंड पानी में वे तीनों दोस्त मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी देर मछली पकड़ने के बाद वे सभी वापस आने लगते हैं कि तभी उन्हें इतने ठंड पानी में एक लाश तैरती हुई दिखाई देता है, जिसके बाद वे सभी उस लाश को अपने बोट पर लाते हैं। बोट पर लाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक इंसान नहीं है, बल्कि एक इंसान की तरह दिखने वाला कोई जीव है, क्योंकि उसके सर पर 2 सिंग और उसके पेट पर मछली की तरह गिल्स मौजूद है। उस लाश को देखने पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इसे मरे हुए कई दिन हो गए हो और ये पानी में लंबे समय से डूबा हुआ था। देखते ही देखते उस जीव ने अचानक से अपनी आँखें खोल दी और अपने पास वाले आदमी को पकड़ लिया और उसे लेकर बर्फीले पानी में कूद गया। और फिर तभी दूसरा आदमी उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वो जीप उसे भी घसीट कर पानी में ले गया। लास्ट में बचा हुआ आदमी मदद के लिए फोन की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी एक भाला उसके बॉडी के आर पार हो गया और वह वहीं पर मर गया। सो फ्रेंड्स, इस एसएपी के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, ये था SCP-924, जिसे SCP फाउंडेशन ने नाम दिया है द आइस वाटर मैन। SCP-924 पेल ह्यूमन वाइट की एक प्रजाति है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर है। SCP-924 के सर पर 2 बड़े-बड़े सिंग मौजूद है और इसके रिब केज के ठीक नीचे मछलियों की तरह गिल्स मौजूद है और इसी वजह से यह पानी के अंदर भी सांस ले पाता है। SCP-924 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से तैर सकता है और ये पानी के अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक की गहराई में भी जिंदा रह सकता है। SCP-924 उन जगहों पर पाया जाता है जहाँ के पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और अगर पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो ये वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता है और मर जाता है। SCP-924 एक बहुत ही चालाक शिकारी है जो अपने शिकार पर पानी के नीचे से हमला करता है, या तो बर्फ में एक छेद बनाकर उसमें छुपकर रहता है, और जब इसका शिकार आता है तो ये अपने शिकार को अंदर खींच लेता है। SCP-924 स्मेल और वाइब्रेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, जिससे यह अपने शिकार को दूर से ही ट्रैक कर लेता है। SCP-924 जब भी किसी को पकड़ता है तो पकड़ने के बाद सीधे उसे पानी में ले जाता है और फिर उसे मारकर उसके ऑर्गन्स को खा जाता है। SCP-924 अपने शिकार के बॉडी को लगभग 6 घंटे के बाद वापस पानी की सतह पर छोड़ देता है। SCP-924 के बारे में पहली बार तब पता चला जब एक बार तीन दोस्त जो मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंट कार्ट और एजेंट मार्लो को भेजा गया। सबसे पहले वे दोनों एक बोट किराए पर लिए और समुद्र की ओर निकल पड़े। काफी देर खोजने के बाद उन्हें उन तीनों दोस्त का बोट मिल गया, जिसके बाद वे दोनों उस बोट के पास चले गए और जंप करके उस बोट के ऊपर चढ़ गए। बोट पर जाते ही उन्होंने देखा कि पूरा बोट खून से भरा हुआ है और सभी जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। और फिर तभी एजेंट कार्ट ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एजेंट कार्ट पिस्तौल लेकर बोट पर जांच करने लगे, लेकिन एजेंट मार्लो ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा डर गए और कांपने लगे। तभी एजेंट कार्ट ने देखा कि एक पीला हाथ एजेंट मार्लो के पैर को पकड़ लिया और फिर उसे पानी में खींच ले गया, जिसके बाद SCP-924 फिर से आया एजेंट कार्ट को लेने, लेकिन एजेंट कार्ट अपने पिस्तौल से उसे शूट करने लगे। SCP-924 गोलियों से बचने के लिए वापस पानी के अंदर चला गया, जिसके बाद एजेंट
पेंट कार्ट हेल्प के लिए वॉकी टॉकी लेने जा ही रहे थे कि तभी SCP-924 ने अपना भाला फेंका। एजेंट कार्ट भाला से तो बच गए, लेकिन वह भाला बोट में छेद कर गया, जिससे बोट के अंदर पानी भरने लगा। एजेंट कार्ट ने जल्दी से वॉकी टॉकी लिया और कहा, हेल्प मी, मैं फंस गया हूँ, बैकअप टीम जल्दी से भेजो। और फिर तभी SCP-924 ने एजेंट कार्ट को पानी के अंदर खींच लिया। एजेंट कार्ट समझ नहीं पा रहे थे कि वह अब क्या करे, कि तभी एजेंट कार्ट ने अपना चाकू निकाला और अपने चाकू से कई बार उस पर हमला किया। एजेंट कार्ट किसी तरह वहां से बचकर निकल गए और अपने बोट पर चढ़ गए, जिसके बाद बैकअप टीम पहुंच गई और एजेंट कार्ट को लेकर वहां से निकल गए। और फ्रेंड्स, अभी SCP फाउंडेशन ने SCP-924 के सभी स्पेसिमेन को साइट 46 के अंदर सॉल्ट वाटर से भरे टैंक के अंदर रखा हुआ है और पानी का टेम्परेचर हर समय 1.6 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और फ्रेंड्स, अभी SCP फाउंडेशन ने SCP-924 को ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड में क्लासिफाई किया है। सो फ्रेंड्स, आप इस SCP केस के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसी और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को अभी सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।